आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू वीएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं जो हूँ बाहुबली और सिम्बा के साथ जो है वो व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ, और जो है वो आराम से बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं बाहर। तो अभी जो है वो मैं आज मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि जो प्लांट्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे जो आपको दिखाए थे मामा ने कि वो ग्रोइंग पैन में जो है उन्होंने ग्रो किए हैं ये प्लांट्स, तो लगाए भी हैं। तो ये जो है इस पर वाइट वाइट सा, ये देखें, ये वाइट वाइट सा कुछ आ गया था। तो मैंने जब इनको इसको हाथ लगाया ना तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई था, तो मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो इन पर स्प्रे करती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं इन पर स्प्रे करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं और रोज़ इनको जो है वो स्प्रे से वेट करना होता है, वरना इनकी हालत ऐसी ही हो जाती है जैसी आप लोगों को नज़र आ रही है। मैं अंदर से भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे हो जाते हैं। तो इसको कभी भी जो है जिनके पास भी मनी प्लांट है वो ड्राई ना रखें, रोज़ जो है वेट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने, सिर्फ स्प्रे से आपने स्प्रे करना है और इनको वेट रखना है। अभी जो है वो दूसरे भी हैं, ये देखें, तो इनको भी हम स्प्रे करना है। ये स्नेक प्लांट है, और ये देखें ये बाहुबली आ गया कि ये क्या कर रहे हैं देखने के लिए। और कोशिश किया करें कि आप इनके लीव्स जो है ना उनके ऊपर स्प्रे करें, तो उससे पता क्या होता है, उससे ये होता है कि ये नीट भी हो जाते हैं और जो इनकी सॉइल है उसमें भी चला जाता है। इसकी जो मूस है इस पर भी करना चाहिए। जब आपको लगे कि ये ड्राई हो गई है तो इसके ऊपर आपको लाजमी स्प्रे करना है। जी गाइस, तो अब हम जो हैं अगले वाले स्नेक प्लांट्स पर आ गए हैं, ये ठीक है। तो इनसे भी ऐसे ही ऊपर ऊपर आप स्प्रे करें तो ये नीचे पानी जाता जाएगा। इसमें आप जो है स्प्रे का जो नोजल है आगे से वो ज़्यादा वाला खोल लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। ऐसे ही हम आगे वाले को करेंगे, ये वाले को। आप देख रहे होंगे मैं इनके लीव्स वगैरह सबको जो है वो पानी दे रही हूँ, इससे ये होता है कि ये नीट हो जाते हैं, खूबसूरत लगते हैं, वरना इन पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। ऐसे ये भी पड़ा हुआ है तो मैं इस पर पानी डाल देती होती हूँ ताकि ये भी नीट रहे। क्योंकि जब भी आप कोई भी डेकोरेशन की चीज़ें रखें तो उनको मैनेज करना भी आप लोगों को आना चाहिए कि किस तरह से
हमने जो है इसको मैनेज करना, तो मैनेज करना आना चाहिए। ये देखें, अब मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्नेक प्लांट्स हमने बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए जो है इनको घर में रखना बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग भी जो हैं, आप देख रहे होंगे कि ये येलो वाले हैं और ये वाले जो हैं ये सिर्फ ग्रीन है। तो आप लोग भी जो है वो कोशिश करें कि जो स्नेक प्लांट हैं उनको रखें घर में, ताकि जो है वो आप लोगों को ऑक्सीजन प्रोड्यूस ये करें, और अपने आप रूम में भी रख सकते हैं। रूम में जो है वो अगर आप छोटा पॉट रख रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वालों को दिया है उतना पॉट अगर आप रख रहे हैं, तो आप अगर लार्ज रूम है तो उसके अंदर आप जो है एटलीस्ट भी सिक्स रखें। तो अगर आपका स्मॉल रूम है तो उसके अंदर आप फोर रख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये मामा ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है कि मैंने जो है इनको पानी लाजमी देना है। यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मतलब ये बहुत रेयर ही होते हैं कि मिले। तो ये हमने एक वेबसाइट है वहाँ से मंगवाए हैं। तो इनको जो है ना वो रोज़ पानी नहीं देना होता, इनको जो है वो वीक में आप एक दफ़ा पानी दे दें, बस इतना देना होता है, और स्प्रे से ही देना होता है। और ये जो है, ये सिम्बा मेरे पास आ गया है, ये देखें सिम्बा मेरे पास आ गया है कि क्या कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा शिम्बू, तो ये मैं सबको दे देती हूँ पानी, और आप लोग बताइएगा आप लोगों के पास कौन से प्लांट्स हैं। और विंटर में जो है ना वो मामा ने जैसे आप लोगों को बताया था कि विंटर में ग्रोथ नहीं होती प्लांट्स की, मतलब कि उगते नहीं हैं अगर आप नहीं कोई लगाएंगे पेड़ वगैरह। तो जो है जितने आपके दूसरे प्लांट्स हैं आप उनकी केयर करें। और वैसे भी जो ठंड है ना, विंटर में तो बहुत मज़ा आता है ऐसे काम करने का। जी तो अभी ना मैं आप लोगों को एक्टिविटी दिखाती हूँ सिम्बा और बाहुबली, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। ये जब बाहर आते हैं ना तो ज़्यादा खेलते और मज़ा करते हैं। आज इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक्टिविटी इनकी दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये ना हमारे यहाँ पे ये हमारा दरवाज़ा है ना इंडोर जाने के लिए, तो ये यहाँ पे मैट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये बैठ जाते हैं। और जब इनको भूख लगती है ना, मतलब अगर जब बाहर होते हैं तो इनको भूख लगती है, तो ये ना इधर इधर आ जाते हैं और ना देखते रहते हैं कि हमें खाना दो, तो ऐसे हमें पता चलता है। और बाहुबली की फेवरेट जगह ना ये नीचे है, ये मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये हमने जो केज है ये मामा ने रखा हुआ है सारे प्लांट्स की चीज़ों के लिए, खाद हो गई, कोकोपीट हो गई, और रंबा वगैरह सारी चीज़ें जो भी टूल्स वगैरह यूज़ होती हैं वो सारा कुछ रखा हुआ है इसके अंदर मामा ने सेट करके। तो इसके नीचे जो है ना यहाँ पे चले जाते हैं, और अभी देखिए क्या कर रहे हैं सिम्बा, देखें अभी ये ना खाना खाने चले गए हैं, इनको ना खाना दिया था। सिम्बा सिम्बू, ये इनका जो है ना बेडरूम, बल्कि ये ना थोड़ा गंदा हो गया है मैंने अभी देखा है, तो अभी मैं इसको जो है ना जब अंदर इनको लेके जाऊंगी ना तो फिर ये इसको वॉश कर दूंगी,
और जो है ना नया वाला इन पर इस पर जो है वो बिछा दूंगी। और ये देखें बाहुबली, बाहुबली क्या कर रहे हो? बाहुबली खाना खा रहा, खाने में मसरूफ है। सिम्बा आपने नहीं खाना खाना? सिम्बा सिम्बा सिम्बू आपने नहीं खाना खाना? ये देखें ये इसके जो फेस पे हुआ है ना, ये बाहुबली ने इसको ना नेल्स मार मार के किया हुआ है, तो मैं बायोडीन इसको लगा रही हूँ, पता नहीं। और बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड नहीं लग रही है। मैंने जैकेट भी जो पहनी हुई है ना वो अंदर पहनी थी कि मैं बाहर जा रही हूँ तो ठंड ना हो, लेकिन बाहर ठंड नहीं है, तो बहुत ही मज़े का मौसम है। और जो है ना ये प्लांट पता नहीं कौन सा अभी मैंने देखा है, ये देखें इस पे कुछ ऐसे उगा है। ये मैं मामा मामा को कहूँगी कि बताएँ कौन सा प्लांट है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी कमेंट किया करें कि आप लोगों के पास कौन से प्लांट्स हैं। जी गाइस, तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अभी जो है वो सिम्बा खेल रहा है, तो मैंने कहा कि इसी के साथ जो है वो मैं एंड करती हूँ ब्लॉग का। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हमारी एक्टिविटीज़ का पता चलता रहे और एंजॉय करते रहें आप। इसी के साथ खुदा हाफिज़, अगले व्लॉग में मिलेंगे।